नमस्कार, आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं और अभी हमें शारदा यूनिवर्सिटी में, शारदा यूनिवर्सिटी की तीन लड़कियां जो कि मेरी क्लासमेट है और तीनों जर्नलिज्म यानी मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता कर रही है। तो अभी हमारे साथ खुशी है, प्रियांशी वत्स हमारी क्लास की सबसे अच्छी डॉन, डॉन बोलते हैं इसे हम लोग, और उन्नति है। तो आज मतलब शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्लास के बारे में, मास कम्युनिकेशन के बारे में, टीचर्स के बारे में दो चार बातें करेंगे। पहले हमारी क्लास की डॉन और सबसे चर्चित लोकप्रिय हमारी क्लासमेट प्रियांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय हाय, क्या बोलो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव एक्सपोज में। तो प्रियांशी कैसा लगता है यूनिवर्सिटी आपको? यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है, मतलब वैसे अच्छी है, फैकल्टी बेकार है बस थोड़ी सी ना, और नीचे नीचे सी है। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी टीचर कौन है? मेल फीमेल? मेल अरविंद सर, हैंडसम सर। अच्छा, फीमेल? फीमेल में दिव्या मैम। अच्छा, इंग्लिश वाले सर जो है वो हैंडसम नहीं है? हैंडसम सर उन्हीं का नाम तो रखे हैं। अच्छा, तो खुशी आपको कौन से सबसे अच्छे सर लगते हैं? मुझे भी हैंडसम सर अच्छे लगते हैं, आजम सर अच्छे हैं, वैसे तो सभी अच्छे हैं, बट अरविंद सर भी अच्छे हैं, और फीमेल में दिव्या मैम बहुत अच्छी है, किरण मैम भी अच्छी है, नेहा मैम भी सब अच्छे हैं, लेकिन आजम सर ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मैम कौन सी अच्छी है सबसे ज़्यादा? मैम मुझे मैम उतनी कोई पसंद नहीं आई, बट इन द सेंस नेहा मैम मेरी फेवरेट थी, बट अब अगर वो नहीं है तो मुझे दिव्या मैम अच्छी लगती है। अच्छा, उन्नति आपको सबसे पसंद मतलब मैम कौन लगती है? दिव्या मैम। और जेंट्स में, टीचर्स में? हैंडसम सर और अनविंद सर। हैंडसम सर का नाम बताओ यार। अजीम सर। अरे तुम कहाँ से आ गई वीडियो में यार, अरे आ गई पीछे से। अच्छा चालू है ना, कट जाएगा। हाँ बैठो फिर यहाँ पे। हाँ हाँ चलो, क्या नाम है तुम्हारा? अनुषा। अनुष्का की अनुषा। हाँ चालू है। तो मेरी एक और क्लासमेट अनुषा आ गई है। अनुषा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुषा आपको सबसे अच्छे सर कौन से लगते हैं? अजीम सर। अजीम सर। और सबसे अच्छी मैम? श्रृंखला मैम। अच्छा एक बात बताओ चारों, मतलब अजीम सर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या तुम लोगों ने देख लिया कितने हैंडसम है सर? अजीम सर ऐसे है ना, वो हम सबसे बहुत फ्रेंडली है, वो मतलब नहीं, हाँ, और पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है, इन द सेंस वो बात नहीं है, बट वो ना हमारे साथ बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडली है, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। अजीम सर तुमको क्यों पसंद आते हैं? सर बच्चों को काफी मोटिवेट करते हैं, एंड सर बहुत कूल टाइप के हैं। अच्छा, तुम्हें क्यों अजीम सर पसंद है? तुम तो पहले चश्मा को ऊपर करो यार आराम से। देखो सर हमें, हाँ बता बता, अजीम सर को अच्छे लगते हैं? बीच में मत बोला कर यार। अजीम सर हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यार वो उनका पढ़ाने का तरीका अलग, वो तरीका बदलते हैं अपने पढ़ाने का, एक तरीके से नहीं पढ़ाते, बर्डन नहीं डालते बच्चों पे, और पर्सनैलिटी इनकी तो बेस्ट है ही है। तो तुम्हें अजीम सर क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें कराते हैं जो हम लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, दिमाग मारना किताबों में हम लोगों को पसंद नहीं है, वो हमें कभी याद नहीं होने वाला है इसलिए। तो देखिए एक फ्रेंड उठ के चली गई पता नहीं क्यों। शारदा यूनिवर्सिटी कैसा लगता है? शारदा यूनिवर्सिटी अच्छी है क्योंकि हमें मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले, बट इन द सेंस पता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है। शारदा यूनिवर्सिटी तुमको कैसा लगा? मुझे तो अच्छी लगी शारदा, ओवरऑल तो अच्छी है यार, जो सोचा था वैसी तो काइंड ऑफ ठीक ही है और नहीं भी है, बीच बीच का मामला है, लेकिन बस यहाँ के थोड़ा टीचर्स और इनके लेके थोड़ा कम सा है हिसाब। तुमको कैसा लगता है यूनिवर्सिटी? अच्छी लगती है, बड़ी है, घर से यही सोच के आए थे, थोड़े बहुत एल तो स्टूडेंट लाइफ में लगते ही है, वो तो सबके लगते हैं, बाकी अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सोच के आए हो कि ऐसे पढ़ाई होगा, ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, तो उस तरह से हो पाता है नहीं हो पाता बताओ खुशी? नहीं हो जाता यार, कोई भी कॉलेज हो जैसा हम सोचते हैं प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम वैसा हम पढ़ते नहीं, लेकिन इन द स्पॉट जब एग्जाम प्रैक्टिकल आते हैं वो हो जाता है, और कुछ वैसा सीन नहीं है। अच्छा प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में? प्रैक्टिकली यार टीचर्स में देखे जाए तो यार अजीम सर ज़्यादा कराते हैं ढंग से, तमीज़ से ना, हैंडसम सर जो होते हैं वही कराते हैं, लाइक बर्डन नहीं डालते हैं बच्चों पे ना, लाइक। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है होता है ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं? क्या होता है? हमारी मार लेते हैं प्रैक्टिकल में, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होता है, और याद करने का कुछ नहीं होता ऐसे ही। अच्छा कॉलेज में बहुत सारी लाइब्रेरी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे खाने पीने की क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट है, कैफे है, वो सब कैसा लगता है? वो
वो सब बहुत अच्छा है। हमारा लाइब्रेरी सच में बहुत प्यारा है और कैफेज वगैरह भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ महंगा है बट इन द वे कॉलेज में है तो वो महंगा तो होगा ही यार। हाँ बट गेट नंबर 4 के बाहर निकलोगे जो स्ट्रीट फूड है वो खाया करो, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा तुम्हें कॉलेज के जो रेस्टोरेंट है जो कैफे है वो कैसा लगता है? जान पहचान हो गई अच्छी खासी। जान पहचान हो गई डॉन की, तुम्हें कैसा लगता है? अच्छे लगते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अंदर ही चाहिए सब कुछ तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छा कॉलेज के जो लड़के हैं वो कैसे लगते हैं तुम्हें? कॉलेज के लड़के तो अच्छे ही लगेंगे, किसे बुरे लगते हैं? बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में, वो बातें लगा। तुम्हें कैसे लगते हैं डॉन? सारे चंपू से ही है। मैं भी। अरे तुम चंपू थोड़े, तुम तो हमारे बैच के हो ना, तो तुम्हें कैसे कह देंगे? और लोग उठा के देखो, वो देखो वो पर चंपू बैठा। तुम्हें कॉलेज के लड़के कैसे लगते हैं? जितने को मैं जानती हूँ जिनसे मैं मिली वो तो सारे अच्छे हैं। कोई पसंद आया? पसंद इन द सेंस नहीं, बट एज अ फ्रेंडशिप में सब बहुत अच्छे, सब बहुत हेल्पिंग नेचर है, सब अच्छे हैं। तुम्हें कोई पसंद आया? सारे ऐसे सही हैं, कोई पसंद नहीं आता ही नहीं है, क्या करें। तुम्हें? नहीं मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो थैंक यू गाइस, छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा मैंने सोचा कि आपको कुछ दिखाते हैं। बाकी धन्यवाद, देखते रहिए लाइव एक्सपोज। बाय बाय।